अस्सलाम वालेकुम इंस्टाग्राम के बंदा। अबे भैया चलो, अच्छा हुआ दीपू भी पहुंच गई अब तो, नहीं तो लोगों ने तो कह के कहीं मार दिया था कि भैया दीपिका के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। नहीं, मुझे तो पता था वो आएगी। अबे भैया उसकी हाइट देखिए, उसकी जैसी हाइट वालों के अंदर अगर रीढ़ की हड्डी ना हो ना तो कब की झुक जाए उसकी कमर। वैसे मुझे तो तब आती जब रणवीर के साथ आती, तो वो बंदा ऐसा अगर वो आता ना तो पेड़ पे चढ़ चढ़ के नारे लगाता और कपड़े ऐसे पहन के आता कि जो लोग कहते ना कपड़ों से पहचान लेंगे वो भी ना पहचान पाते। वैसे हम तो कब से बुला रहे थे दीपिका को, कभी आओ पुरानी दिल्ली आओ, कभी हमारे शकरकंदी के ढेरे पे आओ। असल में बात क्या थी कि हम चाहते थे कि हमारे शकरकंदी के ढेरे पे दीपिका की शकरकंदी खाते हुए फोटो लग जाए, जब सील बढ़ जाती है। ये तो अब भी नहीं हो पाया, पर चलो खैर देर आई दुरुस्त आई, अच्छा ही हो गया। और जो लोग कह रहे हैं कि हम छपाक देखने नहीं जाएंगे ना, ये लोग वही जिनकी तनख्वाह ना उनके माँ बाप देते हैं, ये तुम्हारी ना पॉकेट मनी आ रही है, तो तुम तो जाओ ही मत। जब टीवी पे आए ना तभी देख लो ना, चुप बैठ जाओ। एक लड़की को परेशान कर दिया फ्री कश्मीर के बैनर पे। अबे भैया क्या गलत बोल रही थी वो, इतने महीनों से बेचारों का नेट बंद है। हमारा 6 दिन नेट बंद रहा था तो हम खेल गए थे। अब मैं बोलूंगी कि वीडियो कॉल के अपने मजे, हमें बात करनी होती तो लोग कहेंगे कहाँ वीडियो कॉल करनी है। मैं नहीं बता रही कहाँ करनी है, मैं आपसे कोई मतलब नहीं है मेरा। भैया इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के बिना नहीं रह जाता, इंटरनेट जरूरी है।